फाइनली दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस के साथ साथ दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार और ताबड़तोड़ कमाई कर रही फिल्म ब्रह्मास्त्र आज अपने पांचवें दिन भी दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ रही है और आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एक और नया रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बॉक्स ऑफिस पर चल रही बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म ब्रह्मास्त्र के पांच दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस, बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स चाहते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र जिसे कि 410 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया था और यह फिल्म बॉलीवुड इतिहास की सबसे महंगी फिल्म है। हालांकि दोस्तों इस फिल्म के विजुअल्स, इस फिल्म का एक्शन इस फिल्म को दिखा देता है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बजट के साथ बनाई गई है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म की जो स्टार कास्ट है उसमें आपको रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन सर, नागार्जुन, SRK और मौनी रॉय भी नजर आई है। यानी कि दोस्तों एक काफी बड़ी स्टार कास्ट के साथ भी इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया है। बताते चले दोस्तों आपको कि लगभग 2 घंटे 40 मिनट की इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस हफ्ते 5000 स्क्रीन पर इंडिया में और लगभग 8900 स्क्रीन पर दुनिया भर में रिलीज किया गया था, जहां पर इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो एक हिस्टोरिकल ओपनिंग ली और उन सभी हैटर्स की बोलती बंद कर दी जो कि इस फिल्म को पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप बता रहे थे। अपने पहले ही दिन दोस्तों इस फिल्म ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर हिस्टोरिकल 75 करोड़ रुपए कमाए जो कि दोस्तों बॉलीवुड इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग बनी। साथ ही साथ दोस्तों ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिव्यूज मिलने के बावजूद भी इस फिल्म के अपने दूसरे दिन के जो कलेक्शंस थे उसमें लगभग 10 करोड़ रुपए की शानदार ग्रोथ देखने को मिली। अपने शुरुआती दो ही दिनों में दोस्तों ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 160 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी, जिसमें दोस्तों इस फिल्म का अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर भी अपने शुरुआती दो ही दिनों का कलेक्शन 28 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका था। वहीं दोस्तों हिंदी और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम भाषाओं को मिलाकर यह फिल्म 90 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी थी। बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के फर्स्ट वीकेंड के कलेक्शंस की तो दोस्तों बताते चले आपको कि अपने पहले वीकेंड में भी इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस बॉलीवुड इतिहास के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कलेक्शंस रहे और इस फिल्म ने दोस्तों सुल्तान, धूम 3 और दंगल जैसी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। बता दें दोस्तों आपको कि इस फिल्म ने अपने शुरुआती तीन दिनों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 225 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की है और इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की तरफ से सबसे बड़ी ओपनर भी बन चुकी है। बात की जाए विगडेस की तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगडेस में किसी फिल्म को परफॉर्म करने के लिए मंडे टेस्ट पास करना रहता है और दोस्तों कल इस फिल्म ने अपने पहले मंडे को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह की शानदार कमाई की है उसके बाद दोस्तों ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन रही है। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बताते चले कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां इस फिल्म ने अपने चौथे दिन यानी कि पहले मंडे में 16 करोड़ रुपए की कमाई ऑल इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर की है तो वहीं दोस्तों 25 करोड़ रुपए के आंकड़े को दुनिया भर में पार करने में कामयाब रही है। तो वहीं दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर टोटल 141 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका होगा तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म 250 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी होगी। बताते चले दोस्तों आपको 410 करोड़ रुपए बजट होने की वजह से इस फिल्म को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर जहां 250 करोड़ रुपए की कमाई करनी है तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 420 करोड़ रुपए की नेट कमाई करनी है। यानी कि दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अगर यह फिल्म टोटल 500 करोड़ रुपए की कमाई करनी है जब ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक हिट फिल्म कही जाएगी। बात की जाए दोस्तों अब यहां पर इस फिल्म के आज यानी कि अपने पांचवें दिन के कलेक्शंस की तो दोस्तों बताते चले आपको कि आज भी इस फिल्म की जो एडवांस है वो इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इस साल रिलीज होने वाली बॉलीवुड की सभी बड़ी फिल्मों से कहीं ज्यादा अच्छी है और इस फिल्म ने आज एडवांस में 5,93,00,000 रुपए के आंकड़े को आसानी से पार कर दिया है। साथ ही साथ दोस्तों आज इस फिल्म की जो मॉर्निंग ऑक्युपेंसी है वह कल की ही तरह 17-19% की है। दोस्तों बता चले आपको कि इस फिल्म को आज भी ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऑन स्पॉट बुकिंग में दोस्तों ऑडियंस आज भी इस फिल्म को देखने जा रही है और ये वजह है दोस्तों की आफ्टरनून और इवनिंग की भी एडवांस ऑक्युपेंसी काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ नजर आ रही है। बताते चले दोस्तों आपको कि यह फिल्म आज अपने पांचवें दिन इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर जहां लगभग 14 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाई करते हुए इस साल की बॉलीवुड की सबसे बड़ी ओपनर बुलबुलिया को एक बार फिर से पांचवें दिन भी पीछे कर रही है। तो वहीं दोस्तों इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर जो आज का कलेक्शन है वह लगभग 22 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रहा है जो कि दोस्तों लाल सिंह चड्ढा के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से भी ज्यादा है। ऐसे में दोस्तों इस फिल्म का जो टोटल है वो इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर 155 करोड़ रुपए का हो चुका होगा। वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 270 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी होगी और
बॉक्स ऑफिस पर एक सुपर ट्रेंड कर रही है। उम्मीदें हैं दोस्तों कि ये फिल्म अपने पहले हफ्ते में दुनिया भर से 300 करोड़ और इंडिया से 200 करोड़ रुपए की कमाई करके एक हिट फिल्म साबित हो। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ब्रह्मास्त्र दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर पाएगी या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों इस फिल्म से जुड़ी सही बड़ी अपडेट्स के लिए आपके अपने चैनल रिव्यू बाजार को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।